हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक्सट्रीम ड्राइव। और आज हम आपके लिए लेके आए एक नई जैपनीज एमयूवी टोयोटा की तरफ से, इनोवा क्रिस्टा। और आप भी देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, डीआरएल्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, और दोस्तों आप इसमें फॉग लैम्प देख सकते हैं। दोस्तों इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक हैं, और दोस्तों आप इधर देख सकते हैं, इसका पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल दिया गया है, जो काफ़ी शानदार है दिखने में दोस्तों, ये टॉप मॉडल के साथ है। और दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी टोयोटा की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पे, इनोवा क्रिस्टा। और आप दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्रोम फिनिश के साथ एक स्किट दी गई है। ये दोस्तों आपको इसके साथ नहीं मिलेगी, आपको लगवानी पड़ेगी, एक एक्सेसरीज में अलग से आएगी दोस्तों। चलिए, और यहाँ पे आपको विद लाइट्स मिलेगी इसके, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके हम साइड व्यू देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं दोस्तों। बेस मॉडल में भी सेम 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं इसके ORVMs, जिस क्रोम फिनिश दी गई है इनको। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल एंड एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर्स, और दोस्तों आप इनको अंदर से बंद भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख लें हैंडल, इसको भी क्रोम फिनिश दी गई है, इसमें कीलेस एंट्री भी आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बैक पे चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम इसके रियर में आ चुके हैं दोस्तों। इसमें हम आपको रियर टेल लैंप्स एलईडी दिए जाते हैं, और इसके अंदर इसमें 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, 2400 सीसी, 2700 सीसी और 2800 सीसी दोस्तों। ये टॉप मॉडल है ZX, और इसमें दोस्तों रियर डिफॉगर, वाइपर और ब्रेक लाइट्स मिलती हैं ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, रिवर्स कैमरा भी दिया गया है विद 2 पार्किंग सेंसर्स। दोस्तों अब हम आपको इसका बूट दिखाते हैं। दोस्तों इसका बूट देखते हैं। दोस्तों इसका बूट इलेक्ट्रिकली टेलगेट है दोस्तों, काफ़ी भारी बूट है इसका दोस्तों। आप इसकी बूट की जगह देख सकते हैं, और दोस्तों इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस जगह को, अगर आप सीटों को फोल्ड करते हैं साइड में दोस्तों। हम आपको बता सकते हैं, यहाँ पे एक हेलोजन लाइट दी जाती है दोस्तों। यहाँ पे हेडरेस्ट दिया गया एक्स्ट्रा, देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इंटीरियर से जाने से पहले आपको मैं इसकी डिटेल्स दे देता हूँ थोड़ी सी दोस्तों। यहाँ पे इनोवा की ब्रांडिंग दी गई है दोस्तों। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं नीचे, और दोस्तों हेलोजन। और दोस्तों इसमें मैं आपको गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ, जो दोस्तों इसका बेस मॉडल है वो 14.16 लाख से शुरू होता है, और जो इसका टॉप मॉडल है 21.22 लाख। इसका 2800 सीसी का इंजन है ये दोस्तों, 360 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और 172 bhp की। चलिए अब हम आपको इसका एग्जॉस्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं क्रोम फिनिश के साथ इसका एग्जॉस्ट दिया गया है, और दोस्तों इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी गाड़ी के नीचे दिया गया है, जो कि अलॉय व्हील है दोस्तों। दोस्तों इसके बैक साइड पे चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्रोम का हैंडल दिया गया है। चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं इसका रियर डोर प्रोफाइल दोस्तों। ये प्लास्टिक यहाँ पे फिनिश दी गई है, 1 टच विंडो है इसके अंदर क्रोम की दोस्तों। इसके हैंडल पे फिनिश दी गई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन ट्रिम और फैब्रिक की फिनिश दोस्तों। जो बेस मॉडल है उसमें आपको ब्लैक कलर की फैब्रिक फिनिश दी गई है दोस्तों। यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, और कुछ सामान यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिलती हैं आपको, यहाँ पे स्पीकर्स। चलिए दोस्तों इस गाड़ी के अंदर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टा में प्लास्टिक ट्रे दी गई है, जो कि बाकी इनोवा के मॉडल्स में नहीं आती थी दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें, इसमें आप 10 किलो तक का सामान रख सकते हैं आराम से। वुडन ट्रिम दी गई है, और ग्लास होल्डर भी है इसके अंदर, देख सकते हैं आप दोस्तों। चलिए अब इसके हम अंदर चल के देखते हैं कम्फर्टेबल है कि नहीं। यहाँ आपको सीट्स ब्राउन लेदर की सीट्स भी दी गई। चलिए अब हम इसके रियर सीट्स पे आ चुके हैं, तो आपको अब मैं इसमें सीट की एडजस्टेबिलिटी दिखा देता हूँ। इससे हम आगे कर सकते हैं सीट्स, और पीछे कर सकते हैं। इसमें आपको एम्बियंस लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और इधर एसी को चलाने के कंट्रोल्स दिए गए हैं रियर में। इस गाड़ी में 4 AC vents मिलते हैं, 2 middle passengers के लिए और 2 last passengers के लिए। और इसमें आपको लेफ्ट सीट के साइड में 2 cup holders की जगह भी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको हेलोजन लाइट्स दी गई हैं दोनों तरफ, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक हुक दिया गया है कुछ टांगने के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी हेलोजन लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स। और आप देख सकते हैं रेयर से डैशबोर्ड कैसा दिखता है। अब हम चलते हैं आगे।
आने से पहले दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 12 वी का पावर आउटलेट मिलता है चार्जिंग के लिए। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इनोवा में एक और फीचर है जिससे आप इसको आगे कर सकते हैं सीट को इधर से और पीछे भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फीचर शॉफर ड्रिवन के लिए है, जिसको मतलब जो यहाँ पे बैठा है बंदा पीछे उसको अगर ज़्यादा सीट की मतलब ज़रूरत हो तो उसको आगे कर सकते हैं इसे बैठा बैठा। और दोस्तों ये फीचर एक और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई आगे अगली सीट पे कोई सीनियर सिटीजन बैठा हुआ है तो उसको उठा के आगे सीट ना करनी पड़े और इधर से ही सीट आगे हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम आपको, चलिए अब हम इसके अंदर आपको मिनिमम और मैक्सिमम लेगरूम दिखा देते हैं। दोस्तों इस साइड पे आपको मिनिमम लेगरूम दिया गया है लेगरूम स्पेस और उस साइड पे आपको मैक्सिमम लेगरूम स्पेस दिया गया है। अंदर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलती है यहाँ पे और ऊपर शार्क फिन एंटीना। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट सीट्स पे और देखते हैं इसके फीचर्स। मैं अब आपको इसकी ड्राइवर साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इसमें आपको क्रोम की फिनिश दी गई है हैंडल पे, सेम जैसे कि पीछे दी गई थी फैब्रिक। और यहाँ पे आपको दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और यहाँ पे प्लास्टिक की फिनिश दी गई है। यहाँ पे सारी की सारी वन टच विंडो हैं और ये ORVM के कंट्रोल लॉक एंड लॉक और ये विंडोज़ को बंद या फिर करने का। और नीचे आपको दिया गया है 1 लीटर की बॉटल रखने का जिस स्पेस और भी कुछ रखने की स्पेस। और नीचे आपको एक हैलोजन लाइट्स प्रोवाइड की गई। अंदर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें 6 स्पीकर्स हैं और इसका प्लेट दी गई है टोयोटा के नाम की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ पे जो ड्राइवर साइड सीट है उसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों इसके गाड़ी के अंदर हम अब आ चुके हैं। दोस्तों इसका पावर स्टीयरिंग व्हील है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेदर रैप्ड है। और इसमें आपको दिखा देता हूँ इसका MID डिस्प्ले। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको 200 टॉप स्पीड दी गई है और इसका ये RPM मीटर है, 6000 RPM मैक्स है। और इसमें आप देख सकते हैं इसके इसमें आप कोई भी किलोमीटर या फिर कुछ भी चेक करना हो तो इसमें आप चेक कर सकते हैं इससे। और स्टेयरिंग व्हील पे ये ऑडियो के कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे इस साइड पे ये MID डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चलिए अब इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखते हैं। तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, 7 इंच की इसकी डिस्प्ले है और इसमें आपको ऊपर यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो इनोवा क्रिस्टा में ना आपको एंड्रॉयड ऑटो ना एप्पल कारप्ले मिलेगा। इसमें आपको सिंपल से फीचर्स मिल जाएंगे जैसे ब्लूटूथ, टेलीफोन, ऑडियो और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। चलिए दोस्तों इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको इको मोड और पावर मोड दिए जाते हैं और इसमें आपको एट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है और एयरबैग को भी आप पैसेंजर साइड के ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। दोस्तों सेफ्टी वाइज इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS मिलता है, EBD मिलता है, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। दोस्तों इसमें आपको 4-व्हील ड्राइव नहीं मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी नहीं मिलता है दोस्तों, राइड हाइट हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा, आपको 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियर मिलता है, गियर स्पीड लेदर रैप्ड है ये। और इसमें आपको मैनुअल भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको हैंडबैग मिलती है लेदर रैप, कप रखने की जगह, बॉटल रखने की जगह, यहाँ पे आप दोस्तों इसमें सामान रख सकते हैं। 12 वी पावर सा आउटलेट मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे जगह मिलती है कीज रखने के लिए, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। दोस्तों ये इसका आर्मरेस्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी जगह दी गई है, काफ़ी अच्छा आर्मरेस्ट है, ये भी लेदर रैप्ड है। यहाँ पे आपको ऑक्स और USB डालने की जगह दी गई है, यहाँ पे बहुत कम जगह है। इसमें आपको फ्रंट में आगे 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। दोस्तों इसका जो डैशबोर्ड है आगे का वो काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल में बनाया गया है और काफ़ी स्लीक और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे लव बॉक्स दिया गया है और काफ़ी कम जगह है लव बॉक्स में, पर काफ़ी अच्छा बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे नीचे एक और लव बॉक्स दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लव बॉक्स दिया गया है। और इसमें दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी सामान रखने की जगह है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं आपको लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे सनग्लास की रखने की जगह दी गई है, सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स, इससे दोनों जलती हैं और इससे एक एक साइड की। तो दोस्तों इसमें आपको मैं वैनिटी मिरर दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसको वैनिटी मिरर दिया गया है विद लाइट्स और ड्राइवर साइड भी आपको दोस्तों वैनिटी मिरर विद लाइट्स दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों उसकी अभी लाइट चल नहीं रही है। चलिए दोस्तों
दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाना चाहूँगा। आप इसकी चाबी देख सकते हैं, इसमें आपको लॉक और अनलॉक के कीज़ दी गए हैं। यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे पीछे आपको इनोवा की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे आप इसकी एमरजेंसी में चाबी निकाल भी सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप चाबी इसकी निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक और सेफ्टी फीचर बताना चाहूँगा इस गाड़ी में। अगर आप अब कभी भी ये पार्क करें गाड़ी, तो आप कभी भी इसको हाई वोल्टेज की तारों के नीचे पार्क ना करें। कभी कभार ये इसका सेल्फ स्टार्ट बटन कभी कभार काम नहीं करता है। और थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।